नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंत श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष। तो हाल ही में कोलंबो में आयोजित मिसेस श्रीलंका प्रतियोगिता में एक हैरान कर देने वाली घटना घटी। इस ब्यूटी पेजेंट के बिना बनी महिला के सिर से स्टेज पर ही ताज छीन लिया गया, और ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि वो कथित तौर पर तलाकशुदा थी। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो रहा है। साथ ही लोगों का ये भी कहना है कि आखिरकार सरेआम स्टेज पर किसी विजेता के साथ ऐसा सलूक कैसे किया जा सकता है। तो आखिरकार क्या है पूरा मामला, आइए आपको इस वीडियो में बताती हूँ। दरअसल रविवार को मिसेस श्रीलंका समारोह चल रहा था, जिसको श्रीलंका के सरकारी टीवी चैनल पर भी दिखाया जा रहा था। इतना ही नहीं, इस साल प्रतियोगिता के समारोह में आए अतिथियों में श्रीलंका के प्रधानमंत्री की पत्नी भी शामिल थी। इस दौरान पुष्पिका डी सिल्वा विजेता चुनी गई, मगर मंच पे मौजूद पिछले साल की विजेता कैरोलाइन जूरी ने ये कहते हुए पुष्पिका का ताज छीन लिया कि उन्हें ये खिताब नहीं दिया जा सकता क्योंकि वो तलाकशुदा है। कैरोलाइन जूरी स्टेज पर आई और उन्होंने माइक हाथ में लिया और ऐलान किया कि इस प्रतियोगिता की रनर अप को विजेता घोषित किया जाता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि डी सिल्वा तलाकशुदा है। कैरोलाइन ने दर्शकों से कहा कि प्रतियोगिता का एक नियम है कि जो उन महिलाओं को रोकता है जो तलाकशुदा है, इसीलिए मैं ये ताज दूसरे नंबर की प्रतियोगी को दे रही हूँ। इसके बाद डी सिल्वा के सिर से ताज छीन लिया गया, लेकिन इस दौरान सोने का ताज डी सिल्वा के बालों में फंस गया और काफी मशक्कत के बाद ताज निकला। कैरोलाइन के इस कदम से डी सिल्वा की आंखों में आंसू आ गए और वो स्टेज छोड़कर चली गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डी सिल्वा के रिलेशनशिप स्टेटस की स्थिति पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं की गई है। ऐसा लगता है कि वो अपने पति से अलग रहती हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि वो तलाकशुदा नहीं है। बताया जा रहा है कि ताज छीनने के बाद डी सिल्वा को मानसिक परेशानियों से गुजरना पड़ा, जिसके कारण उन्हें अपना इलाज तक करवाना पड़ रहा है। श्रीलंका मीडिया के मुताबिक अब पुष्पिका डी सिल्वा को उनका ताज वापस सौंप दिया गया है। ताज वापस मिलने के बाद डी सिल्वा ने कहा है कि इस घटनाक्रम में शामिल सभी लोगों को वो माफ करती हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर किसी को ऐसा लगता है कि वो इस प्रकार का काम करके मुझे बाधित कर सकते हैं तो वो सफल नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि वो कैरोलाइन जूरी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करने की योजना बना रही है, जिन्होंने उनसे उनका ताज वापस लिया था। उन्होंने कहा कि कैरोलाइन जूरी ने मंच पर जो व्यवहार किया है वो अपमानजनक था और हमने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने भी कैरोलाइन जूरी से पूछताछ करनी इस पूरे मामले में शुरू कर दी है। तो इस पूरे घटना पर आपकी क्या राय और क्या प्रतिक्रिया है, क्या आपने अब तक ये वीडियो देखे हैं, नीचे कमेंट सेक्शन पर लिख के हमें जरूर बताएं। साथ ही में एंटरटेनमेंट के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए टीवी 9 भारतवर्ष के साथ। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, दो गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।